Visit to a small planet is written by और जो ये आप आपके सामने एक जो स्लाइड आई है इससे पहले अगर आपको याद दो तीन प्रीवियस लेक्चर वी लेक्चर व्हेन एलन जॉन हैविंग डिस्कशन और जॉन और एल उससे पूछते हैं क्रिटन से क्या वो उनके ख्याल को पढ़ सकता है वे जब क्रिटन हाँ में जवाब देता है तो एलन एंड जॉन बोथ वर वर्ड वो दे वर लिटल बिट अशेम्ड ऑफ देर थिंकिंग और जॉन uh, कहता है कि फ्रॉम द नाउ टू ऑन वर्ड वो सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में सोचेगा और जब जॉन कहता है कि एग्रीकल्चर के बारे में सोचेगा तो राइट एट दैट टाइम स्पेलिंग एंटर द रूम और वो बातचीत में अपना हिस्सा डालते हुए कहता है जैसे ही वो एंटर होता है तो उसकी बात सुन लेता है कि अब मैं सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में सोचूंगा तो स्पेलिंग जो है उसको टॉन्ट करता है यस यू वुड एलन प्रोटेस्टेड हेयर वो कहती है डैडी। क्रिटन सेज नो नो यू मस्ट गो राइट ऑन थिंकिंग अबाउट एलन यू इज जॉन जॉन को वो इनक्रेज करते हुए कहता है कि नहीं नहीं जो तुम सोच रहे हो तुम सोचते जाओ इट्स गुड फॉर यू Such wonderfully purple thoughts, purple, brilliant. कहते हैं बहुत अच्छी सोच तुम सोच रही हो सोचती जाओ. Spelling uh, adds. Now see here, powers. You are carrying this marshallah thing too far. अब यहाँ पे uh, जो है वो उस वक्त स्पेलिंग uh, uh, जो है वो पावर को uh, पावर के साथ बात करते हुए कहता है कि वो जो marshallah उसने जो उस उसपे restrictions लगाई हैं आर्मी rules के घर के ऊपर लागू कर दिया है. टू फार इट हैज बीन प्रोलॉन्ग्ड टू फॉर टू मच काफी ज्यादा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो गया है पावर आगे से एक स्पीच शॉर्ट ऑफ बोलता है काफी इसका लॉन्ग डायलॉग है अनफॉर्चुनेटली आई है फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ दिस प्रॉब्लम यू मस्ट ओबे माई ऑर्डर नो टेलीफोन कॉल्स नो कम्युनिकेशन विद अनफॉर्चुनेटली अनलि आई हैव रिसीव्ड आई आई गॉट वर्ड फ्राम वाशिंगटन अथा जब तक मुझे गवर्नमेंट की तरफ से वाशिंगटन स्टैंड फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट जब तक मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइनल डिस्पोजल फाइनल नहीं मिलताल uh, या सुजेशन या ऑर्डर भी कह सकते हैं नो टेलीफोन कॉल्स आप किसी को कोई बात नहीं कर सकते हो नो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर आप किसी को किसी को, किस्म की यू वॉन्ट बी एबल एनी बॉडीड टू कम्युनिकेट यू आर नॉट पर एनी न्यूज टू द आउटसाइड वर्ल्ड स्पेल्डिंग प्रोटेस्ट हेयर स्पेल्डिंग यहाँ पे एहतजाज करता है दिस इज अनसपोर्टेबल अनसपोर्टेबल unbearable कहता है ये तो नाकबले बर्दाश्त है आई वोंट टॉलोट दिस लॉ सिस्टम क्रिटन पार्टिसिपेट्स वो ये कहता है पुअर मिस्टर स्पेलिंग इफ यू लाइक आई शैल गो कहता है अगर आपको मुश्किल हो रही है मेरी वजह से तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ लुक एट हियर कि हाउ काइंड एंड सिविलाइज्ड इज मिस्टर क्रिटन ये उसके मॉरल्स में आता है कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं अगर इफ़ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी ड्यू टू मी ड्यू टू माई प्रेजेंस मैं यहाँ से चला जाता हूँ सॉल्व रिजोल्व कहता है इससे हर मसले सारे हल हो जाएंगे इट क्या हल नहीं होंगे पावर यहाँ पे उसको एकदम से घबराहट होती है यू आर नॉट गोइंग एनी वे मिस्टर आई हैड माई इंस्ट्रक्शन कहते जब तक मुझे uh, अहकाम बाला से जब तक मुझे मेरे मुझे अहकाम गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशल ऑफिश uh, अपने हायर अथॉरिटी uh, से नहीं मिल जाते यू वॉन्ट बी एबल टू गो एनीर ग्रिटन हेयर प्राउडलीस आई सिंसियरली डाउट इफ यू स्टॉप मी सिंसियरली फ्रेंकली डाउट क्वेश्चन कहते हैं मुझे हकीकता इस बात पर शक है इफ़ यू कुटॉप मी

मैं चला जाऊं अगर उनको कोई मुश्किल मेरी वजह से ज्यादा हो रही है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ स्पेलिंग अब यहाँ पे कुछ कहना चाह रहा है कि yes, यस लेकिन उसी वक्त वो मिस्टर जो है जनरल पावर की तरफ देखता है जो कि उसको कोई इशारा कर रहे हैं जनरल पावर जो है वो मिस्टर स्पेलिंग को कुछ इशारे करते हुए कुछ डांटते हुए कुछ वार्न करते हुए कुछ इशारा करते हैं पावर जेस्टर्सिंग जेस्टर्स सिग्नल दूर दूर से उसको चेहरे से इशारा कहता है किसको जाने नहीं देना यस yes, कहते कहते आगे से कहते हैं डू स्टे आई मीन वी वॉन्ट गेट अ गुड इम्प्रेशन ऑफ अस इम्प्रेशन इफेक्ट कहते नहीं नहीं यही ठहरे हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप हमसे वो एक बहुत अच्छा तासुर लेकर जाएं इम्प्रेशन तासुर या इफेक्ट एंड ऑफकोर्सिल वी फर्नलिस्ट इंटरव्यू मी और कहते हैं हाँ आप ये भी चाहते होंगे सबसे पहले आप मेरा इंटरव्यू करें फेयर एंड ऑफ फेयर करेक्ट कहते हैं हाँ बात भी ठीक है बात भी बिल्कुल ठीक है आल राइट आई विल स्टे ऑन फॉर अल कहते हैं हाँ चले ठीक है मैं कुछ देर के लिए आपके घर स्टे करूंगा पावर पहली दफा सिविलाइजेशन शो करते हुए पावर थैंक यू क्रिटन डोंट मेंशन इट डोंट मेंशन इट डोंट वरी कहते नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है थैंक यू कहने की स्पेलिंग सेज जनरल मे आई आस्क आर गेस्ट ऑफ यू क्वेश्चन अब यहाँ पे स्पेलिंग अपनी ही इज गोइंग टू अटेम्प्ट अनदर ट्राई कह सकते हैं कि वो शायद उससे कुछ क्वेश्चनिंग करके अपनी मर्जी की कोई बात उगलवा ले पावर आगे से उसको एनकरेज करते हुए कहता है गो राइट अहेड रोजर रोजर स्पेलिंग पूरा नाम है ना उसका कहते right हैं कि मेरे से अच्छे आप क्वेश्चन कर पाएंगे जर्नलिस्ट भी है जाहिर है वो क्वेश्चनिंग करके क्रॉस क्वेश्चनिंग करके क्रॉस टॉक करके वो कुछ ना कुछ उगलवा लेते हैं स्पेलिंग सेज सिंस यू रीड अवर माइंड सिंस यू रीड अवर माइंड्स यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो व्हाट आवर फियर्स आर प्रोबेबली लाइकली प्रोबेबली का मतलब perhaps भी होता है ठीक है प्रोबेबली का मतलब perhaps, perhaps भी होता है. कहते हैं यू प्रहैप्स ऑलरेडी नो वट एवर फीयर्स आर फीय वरीस कहते तुम्हें पता है हमारी परेशानी क्या है क्रिटन आगे से एतराफ करते हुए कन्फेस कहते हैं आई डू येस आई नो वट आर योर फियर्स वट आर योर वरीज

Assured, कहता लेकिन मैं जमानत देता हूँ माय पीपल आर नॉट रिमोटली रिमोटली स्लाइटली वो आपके हल्के से भी मुखालफाना नहीं है एक्सेप्ट फॉर मी नो वन इज इंटरेस्टेड इन दिस प्लानर्स प्रेजेंट स्टेज मेरे अलावा कहता है इस प्लानट अर्थ के दिस प्लान प्लान की तरक्की के बारे में या लोगों के बारे में या चीजों के बारे में और कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है स्पेलिंग. आप वो जर्नलिस्ट है ना तो सवाल से सवाल निकालना ही न्यू वेरी वेल कहता है अच्छा अगर अब भी इंटरेस्टेड नहीं है लेटेस्ट स्टेज बाद में तो आप अपने आपके लिए इंटरेस्ट डेवेलप हो सकता है

<coughs> क्या कोई इंटरेस्टेड है यू आर माई हॉबी आई लव यू एंड टू इट कहता है मुझे आप पसंद है मैं, 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 आप मेरी मशकला हो आई लव टू नो अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ प्लान बेसिकली कहता है आई लव यू एंड दैट इज ऑल बस यही बात पावर so sort of native, टू लुक अराउंड

एक्सप्रेशन अच्छा टर्म exactly, कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया दट इज एक्टली प्रि कहते हैं हाँ एक्जेक्टली आई एम गोइंग टू बी नेटिव हेयर अब वो इत, उनकी क्रॉस टॉक से क्वेश्चनिंग से इतना ज्यादा ही जस्ट फेड अपट हेयर ही उसने जो है एक अपनी एक नया आइडिया पेश कर दिया कि अब वो यहीं रहेगा ग्रिमली पावर ये ग्रिमली जो है वो आपको बताना चाह रहा है कि ग्रिमली वर्ड इज इन ब्रैकेट इन साइड फीलिंग क्या हैदर सिविलाइजेशन फॉर द एक्सप्रेस पर्पज ऑफ फ्रीकनाइटरिंग प्रायर टू इनवेजन ग्रिमली स्टर्नली एक्सप्रेस एक्सप्लेट वाजे तौर पर पर्पस एम रिकनाइट्रिंग, ये uh, दोबारा से वर्ड देखे रिकनाइट्रिंग का मतलब स्पाई आउट, जासूसी करने के लिए आए हो प्रायर एंटिल इन्वेजन अटैक कहते हैं बेसिकली तुम हमले से पहले जो थोड़ी uh, खबरें इकट्ठी करने के लिए कोई आता है बेसिकली यू आर हेयर जस्ट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अस यू आर हेयर जस्ट

कहता है एजम्पन के तुम लोगों का एक पुराना ये ख्याल है या वतीरा है या तरीका है दैट ऑल स्ट्रेंजर्स आर हॉस्टाइल कि हर अजनबी जो है वो आपका मुखालिफ है यू आर आलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू जनरल टू गुड टू बी ट्रू ये जो है टू गुड टू डबल ओ के साथ ये एजटिव आ गया एंड टू के साथ ये बी आ गया दिस इज इनफिनेटिव जब इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है तो इसका मीनिंग माइनस में चला जाता नेगेटिव में चला जाता है कि कि आप इतने अच्छे हो आप हो आपकी बात पे सच्चाई कोई नहीं है यू आर टू गुड टू बी ट्रू कि आपकी बात में कोई सच्चाई नहीं है जनरल यू डिनाई योर पीपल पावर सेज यू डिनाई योर पीपल इन टेंट टू मेक ट्रबल फॉर अस डिनाई रिफ्यूज करना हकीकत से इनकार करना निगेट करना

सिर्फ आपके जो पिक्यूलर स्पेशल बिलोंगिंग टू कहता है आप लोग ये uh, इस तरह के कम क्विकली विच आई एम नॉट क्रिट साइंसिंग एज नो आई अप्रूवरीद करना सेंसर करना कहता है मुझे इस बात से इतराज नहीं है एज यू नो आई अप्रूव अप्रूव अप्रिशिएट आर एडमायरिशिएट या admire कहते आप जो भी करोगे मैं मुझे आपकी हर वो चीज पसंद है पावर आई गिव कहता है मैं हथियार डालता हूँ आई सरेंडर गिव अप सरेंडर यू हैव नो इंटरेस्ट देन स्पेलिंग have नो इंटरेस्ट देन इन वेल ट्राइंग टू डोमिनेट द अर्थ डोमिनेट रूल कहता है सब तुम्हारा इस दुनिया पर हुकूमत करने का कोई इरादा नहीं है ओ oh, यस yes. आई थॉट यू जस्ट हैट योर पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन आस तुमने कहा कि uh, तुम्हारे लोग इंटरेस्टेड नहीं है दे आर नॉट बट आई एम फॉरी तौर पर एब्रप्टली आंसर दे आर नॉट बट आई एम उनको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मुझे तो है आ, यहां पर पावर के कान खड़े हो गए यू आपको इंटरेस्ट है तुम्हें इंटरेस्ट है सो दिस इज द लास्ट स्लाइड कहते हैं नी

कहते हाँ, तो, uh, कि आप लोग मेरी हुकूमत करने में बहुत ज्यादा खुश होंगे और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए और यू विल गेट यूज टू इट और आपको भी यूचुअल आपको ये आदत हो जाएगी मेरे हुकुमत, मेरी हुकूमत से पावर आगे से हैरान परेशान कहते दिस इज रेडिकल रेडिकलस स कहता है ये तो नामकूल सी बात है बेवकूफी की बात है वर्ल्ड एक आदमी पूरी दुनिया पर हुकूमत कैसे कर सकता है इंतजार करो कि मैं करता गया हूं यहाँ पे इट्स ऑफ थ्रेट इट्स एंड दीपल अराउंड ओवर दावर सेनरल पावर एडी को हुक्म देता है ग्रैब हिम ग्रैप का होता है पकड़ लो पकड़ लो इसको ग्रेस गेट होल्ड अब सीन यहाँ पर क्या है यू कैन यू कैन वेल इमेजिन थोड़ी सी इमेजिनेशन में अपने लेके आए कि पावर एंड एडी रश क्रिएटन भागते हैं क्रिएटन की तरफ उसको पकड़ने के लिए बट विद इन ए फुट ऑफ फेम लेकिन उससे एक फुट के फासले पर दे स्टॉक स्टंट वो रुक जाते हैं और स्टंट जो है ये हैरानी की बहुत बड़ी डिग्री है स्टंड होता है बहुत ज्यादा परेशान होना अमेज या आ, अमेज से भी ज्यादा एस्टोनिश होता है ये हैरानी की बहुत ज्यादा आ, ज्यादा डिग्री है ये क्रिटन आगे से कहता है यू कांट टच मी तुम मुझे छू भी नहीं सकते पकड़ने तो दूर की बात है दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम कहता है असल बात तो ये है यू आर नॉट एबल एनफ टू जस्ट टच मी एंड यू आर थिंकिंग अबाउट टू अरेस्ट मी तो मुझे पकड़ने की कोशिश करो यू कॉन्ट इवन टी योन्स योन्स होता है जुमी लेना जो, uh, जब इंसान पर सुस्ती चाहती है अर्थ मैन सीरियसली वो उसको बच्चों के तौर पर उनको ले रहा है उसको कोई फिक्र नहीं है कि उनको कोई उसको कोई uh, नुकसान पहुंचाया जा सकता है ही योन्स इन डिफरेंस भी शो कर रहा है ये जेस्टर ना no, if you don't mind i shall go up to my room for a little lie down lie down relaxation कहता अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं थोड़ा सा आप कमरे में जाके आराम कर लो स्पेलिंग कहता है, i'll show you the way मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ. दैट्स ऑल राइट i know the way कहता कोई जरूरत नहीं है मुझे पता है कि वो रास्ता कहाँ कैसे जाता है. touches his brows brows माथे को हाथ लगाते हुए फोरहेड को हाथ लगाते हुए Uh, जैसे कुछ सोचता हो इंसान होता है सच सेविच थॉट्स सेविच वाइल्ड कहते कितने अजीब अनसिविलाइज जंगली से ख्याल है माई हेड इज वाइब्रेटिंग लाइक ड्रम वाइब्रेटिंग स्ट्राइकिंग कहता है मेरा सर बिल्कुल एक ड्रम की तरह बज रहा है आप लोगों की सोच आप जो जो सोच रहे हो उन सबको पढ़ते हुए या सुनते हुए क्योंकि आई कैन द माइंड वो शुरू में कहता है ना कि मैं आपके दिमाग को सुन सकता हूँ आई फील क्वाइट गिडी कहता है आप लोगों के दिमाग की, की बातेंगे थोड़ा सा इसको इमेजिन करेंटिंग है डोर दरवाजे की तरफ जाना ये बहुत इंटरेस्टिंग सा सीन है ही पास इज बिस मिसिस स्पेल्डिंग अब जाके मिसिस पेल्डिंग के पास रुक जाता है और वहा पे उसने उनकी सोच पढ़ ली है या सुन ली है वो कहीं अपने दिमाग में कहीं सोच रही है मिसेस स्पेलिंग अच्छा ये हकीकत है ये वाकई मेरे सामने खड़ा है कोई एलियन वाकई मेरे सामने खड़ा है तो उसकी उसके दिमाग को पढ़ के जो क्रेटन है वो कहता है नो इट्स नॉट अ ड्रीम कहता है नहीं nah, नहीं nah, ये ख्वाब नहीं है ये हकीकत है मैं वाकई आपके सामने खड़ा हूँ डियर लेडी आई शेल बी हियर इन द मॉर्निंग वेन यू वेकअप कहती है मैं कह, उनको एश्योर करते हुए कहता है कि आ मैं इधर ही रहूंगा और जब आप सुबह उठेंगी तो आप मुझको इधर ही पाएंगी एंड नाउ गुड नाइट डियर विकेट चिल्ड्रन अब उनको बच्चे भी कह रहा है और उनको साथ विकेट भी कह रहा है विकेट नटी विकेट नटी कहता शरारती बच्चों अब वो जनरल पावर को बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह डील कर रहा है ही गोस एज वी फेड आउट फेड आउट इसके साथ ही दिस इज द एंड ऑफ द लीव आउट दिस इज द एंड ऑफ द प्ले वेबल टू गेट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ देर ओन इंटरेस्ट और वो उनको uh, वहाँ पर सब कुछ uh, किसी के कंट्रोल नहीं रहता और जो क्रिटन है होल वर्ल्ड ठीक है ji this is the दीज व लास्ट लाइन नेक्स्ट क्या है जी ग्लोस्ट्री है इसको बस एक दफा गो थ्रू करना है आपको मैं मीनिंग तो पहले बता चुकी हूँ स्मूथ इन स्पीच और मैनर फ्लूएंट जिसको हमने कहा था रेजोनेंट रीसाउंडिंग का मतलब है कि गूंजदार आवाज होना फिजिट्स होता है मेक नर्वस मूवमेंट कंफ्यूज जिसको हम कहते हैं

जिसको हम स्टोर कहते हैं तहखाना, अंडरग्राउंड रूम तहखाना जिसमें सामान रखा जाता है हिस्टूरिया डिस्टर्बेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम विथ आउटपर्ट ऑफ इमोशन हिस्टूरिया क्रेज क्रेज जिसको हम कहेंगे मिट्योर या मिट्योर स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस एंड बिकम राइट आसमान से कोई रॉक्स जो नीचे को गिरती हैं बर्न होती हैं वो मिट्योर्स होते हैं उर्दू में हम इसको शहाब साकब कहते हैं ओमिनसली थ्रेटनिंगली वार्निंग देना किसी को इवेसिवली ट्राइंग टू अवेड इवेसिवली होता है अवॉइड करना ब्लैंडली जेंटली और पोलाइटली बहुत काइंडली uh, जिसको हम कहते हैं फैसिनेटिंग हैविंग स्ट्रॉन्ग चार्म. फ्रेजाइल ब्रोकन आर वीक कमजोर होना नातवा होना ट्वेल्व

इन बिटवीन द galaxies, कहकशाओं के दरमियान इम्पोस्टर फ्रॉड जिसको हम कहते हैं पर्सन को हम फ्रॉड कहते हैं गैड होता है गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर प्लेजर या wandering होता है गैड अबाउट होता है वारा गर्दी करना घूमना impromptu, without प्रेपरेशन बगैर किसी प्रोग्राम के डिलरियसली डिलीसली क्या होता है जी वाइल्डली एक्साइटेड ex, बहुत ज्यादा शौक से कोई काम करना इंटॉक्सिकेट का मीनिंग होता है कॉज टू लूज सेल्फ कंट्रोल एजल्टेकिंग समेट होता है किसी के डिजीनेस हो, हो, हो जाना किसी के कंट्रोल में uh, अपना सेल्फ कंट्रोल को देना टू लूज सेल्फ कंट्रोल सॉडिड रेचिड आर शेबी या अशेम्ड या वो हमने पढ़ा था ह्यूमिलिएटेड भी हमने देखा था एंड द लास्ट वर्ड इज रिकोनाइटेड टू मेक अ सर्वे ऑफ एन एरिया स्पेशली फॉर मिलिट्री हमने इसका देखा था आउट दिस द ग्लॉसरी वैसे तो रीडिंग के दौरान हम बहुत सारी मीनिंग कर लेते हैं बट दिस यू यू शुड बल्कि कहना चाहिए यू मस्ट गो थ्रू द वोबलरी ऑफ द ग्लॉसरी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है दिस इज द एंड ऑफ टूडेज लेसन नेक्स्ट लेसन में मैं आपके साथ एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी और साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक्सरसाइज uh, के जो एम होंगे जो उसके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उसके साथ कुछ मैं पास्ट ट्रेंड्स के क्वेश्चंस की भी बात करूंगी जो कि पास्ट पेपर्स में फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं ठीक है हैव अ वेरी गुड डे अपने ये जो मैंने आपको आज लेसन कराया है इसके गो थ्रू द सिनोनिम्स ताकि आपका जो टेस्ट होना है उसमें आप अपने काम को आपका टेस्ट अच्छे तरीके से बिफ़ोर टाइम प्रिपेयर हो जाए टेक केयर अल्लाह हाफिज